के प्रभु गिरिधर नागर गिरिधर नागर गिरिधर नागर बरसता है सावन तो मीरा को कृष्ण ही दिखते हैं उन नन्ही नन्ही बूंदों में, पानी नहीं, जैसे कृष्ण प्रेम रस अमृत बरस रहा हो। नन्ही बूंदन मेहा बरसे, मेघ को वो मेहा कह रही है। नन्ही नन्ही बूंदें मेघ की बरस रही हैं, शीतल पवन सुहावन की, पवन चल रही है और ये बड़ी सुहावनी है, बड़ी मनमोहिनी है। भक्त की एक विशेषता यह होती है कि वो जितना ईश्वर से जुड़ा है वो उतना ही सृष्टि से जुड़ा है। जिसको सृष्टि की खूबसूरती नहीं दिखती, जिसको पेड़ों में, पशुओं में, पंछियों में ईश्वरीयता नहीं दिखती, उसे तो भगवान में भी भगवत्ता नहीं दिखने वाली। तो आप सृष्टि से कितना जुड़े हो, हाउ क्लोज यू आर टू द नेचर, दैट विल ले डाउन हाउ क्लोज यू विल बी टू डिविनिटी। जो सिर्फ खाए पिए सोए, विषय भोग करे और बच्चे पैदा करे, वो तो पशु है। लेकिन जो अपने आसपास घटित होती घटनाओं से प्रभावित होता है कि गर्मी में
जब बारिश की वो पहली बूंदें गिरती हैं सूखी प्यासी धरती पर, जो धरती की वो महक उठती है, उस खुशबू का जिसने आनंद नहीं लिया वो ब्रह्मानंद का भी आनंद क्या लेगा। मेघ बरसते हो, बारिश होती हो और तुम हाय सर्दी न लग जाए ये सोच के बंद कमरों में कर्टन बंद करके बैठ जाओ, आप क्या जानो कि उस भीगते बारिश में भीगने का क्या आनंद है, कि जब बारिश छोटी हो रही हो, बूंदी बूंदी गिरती हो तो वो सहलाती है, और जब तेज तेज बरसती है तो वो शरीर से सारी मैल को धो देती है। जिसने सुबह के उगते सूर्य को नहीं देखा और कैसे प्राची लाल हो जाती है, और थोड़ा और सुबह अगर उठ जाए कि सूरज भी उदय नहीं हुआ तो एक तरफ आकाश अभी काले अंधेरे में है और पूर्व की तरफ एक पाव फूटने लग जाती है। उस समय पर क्या प्रकृति में परिवर्तन आ रहा होता है, प्रकृति कैसे जाग रही होती, हर वृक्ष, हर पत्ता, हर फूल, हर कली जाग रहे होते हैं, एक ऊर्जा का प्रसार हो रहा होता है। लेकिन जब यह घटना घट रही होती है आप लोग बिस्तरों में सो रहे होते, क्योंकि रात देर तक जागते। रात जागने का काम उल्लुओं का है। दो बजे पार्टी चले, चार बजे घर आए, कैसे देखेंगे इस सूर्य के चमत्कार को कि कैसे वो आता है, कैसे उसकी किरणें धरती की एक एक वस्तु को अपनी किरणों से भर देती है। हिंदी के महान कवि नरेंद्र ने लिखी जो सूर्य पर कविता, पढ़ो तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। वो सूर्य को कलश कहते, ये कलश है जो बिखर जाता है और उसकी किरणें जैसे कलश से जल आता हो, ऐसे एक एक किरण जो है वो आके हम मनुष्यों को ऊर्जा प्राण जीवन का दान देती है। सोचो एक दिन भी सूर्य अपनी रोशनी से हमें वंचित कर दे, मनुष्य तो जी कैसे पाएगा, प्रकृति चल कैसे पाएगी। ऑल द ग्रीनरी विच यू सी इन द प्लांटेशन इज बिकॉज ऑफ द सन रेज, एंड ऑल द जूसेस इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज बिकॉज ऑफ सन एंड द मून। मून गिव्स द रसा, द नेक्टर कम्स फ्रॉम द मून। और पूर्णमासी का चांद निकला हो आकाश में, उसकी खूबसूरती के आगे तो कोई भी हसीना शर्म से पानी भर जाएगी। और ये अकेला चंद्रमा है, ये तारों की बारात लेके निकल आता है, दूल्हा है ये। सृष्टि के साथ जिसका कोई संबंध नहीं है, जो महसूस नहीं कर सकते हैं बहती पवन को, जो महसूस नहीं कर सकते हैं ढलती सांझ को, तो क्रिम्सन ब्यूटी ऑफ सन एट द टाइम ऑफ सनसेट, इट लुक्स लाइक जैसे किसी सुहागन ने एक बड़ी सी बिंदिया लगा ली हो और धरती का सुहाग बन जाता है सूरज। मीरा कहती है बरस रही है बदली सावन की, और ये इतने मन को बहा रही है, इतना अच्छा लग रहा है। तुम कहते हो जप में मन नहीं लगता, लोग पूछते हैं जप में मन नहीं लगता, मैं अब बताओ ये तो ऐसे हो गया कोई कहे दवाई खाता हूं ठीक नहीं होता।
सो जाते हैं लोग, सिनेमा देखे, क्रिकेट देखे, मैच देखे, मन कितना टिकता है जब मैं सो जाते। तो ऐसे सोने वालों के लिए तो कहना पड़ेगा कि फिर भाई सोते ही रहो, तुम माला पकड़ने का ढोंग भी क्यों करते हो। मुझे कोई बता रहे थे कि किसी के घर में कुत्ता है, वो अब उनके घर में कोई माला फेरता भी होगा, मुझे मालूम नहीं, शायद किसी पुराने बुड्ढे की माला पड़ी होगी, तो वो कुत्ता वही माला मुंह में उठा के पूरे घर में घूमता रहता है। कहते समझ नहीं लगती कुत्ता मुंह में माला लेके क्यों घूमता है। मैं कहा असल में वो आपको सबक दे रहा है कि देखो माला नहीं फेरोगे तो मेरी तरह कुत्ते बन जाओगे। तो कुत्ते को क्या लेना देना माला मुंह में, कहे डल खाने की चीज थोड़े वो। कबीर कहा है हरि बिन बैल बिराने हुई है, अगर हरि का भजन न किया तो बैल ही बनोगे तुम, और क्या बनोगे। चार पाए दो सिंह एक पूछ होवत है, तो क्यों भजन करेगो मूर्खा, तब भजन करोगे। करा के देख लो, ये आवारा गाय, सांड बैल, गधे, घोड़े, खच्चर, जाइए इनको कहिए कि आप भजन करो, दुलत्ती मारेगा गधा आगे से, समझेगा क्या वो आपकी बात को, आप उसे बोलो भजन कर लो, करेगा वो भजन। आप समझते हो?